Good morning, class. How are you? Hope you are doing well. Today, we are going to learn about evolution by stages. <clears throat> a question that arises here is if complicated organs, like such as an eye, are selected for the advantage they provide, how can they be generated by a single DNA change? Surely, such complex organs will be. Created bit by bit over generations. But how can each intermediate change be selected for? There are a number of possible explanations, even an intermediate stage in figure 9.11. Such uh, such as a rudimentary eye can be useful to some extent. This is this might be enough to give a fitness advantage in fact the eye like the wing seems to be very popular adaptation insects have them so does an octopus also and so do vertebrates also and the structure of the eye in each of these organisms is different enough for them to have separate evolutionary origin also a change that is useful for one property to start with can become useful later for quite a different functions feathers for example can start out as providing insulation in the body to the cold water uh, cold weather figure 9.12 but later they might become useful for flight in fact some dinosaurs <coughs> had feathers although they could not fly using the feathers birds seem to have later adapted the feathers to the flight this of course means that the birds are very closely related to the reptiles since dinosaurs were reptiles हर एक किस्म हर एक इंसान के अंदर अलग अलग प्रकार की आँख होती है फॉर एग्ज़ाम्पल लिजर्ड्स और बर्ड्स की आँख देखो तो उसको साइड में होती है राइट right? जबकि वो उड़ते सीधा हैं तो आंखें साइड में हैं उड़ते सीधा हैं तो सामने का उनको कैसे दिखता होगा राइट right? तो और हमारी आंखें जो हैं राइट right? वो सी सिर्फ सीधा देख सकती है अगर साइड में देखना है तो हमें पूरा यूं घुमाना पड़ेगा राइट right? तो एडेप्टेसन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है आई का है ना वो स्टेज एक साथ ही इतने सारे चेंजेस नहीं आ गए होंगे इंटरमीडिएट बिट बाय बिट चेंज आती जाती है जैसे मैं आपको आ, अपना मोबाइल का एग्जांपल देखे समझाऊं तो पुराने ज़माने में टेलीफोन हुआ करता था राइट जो उसका मेन काम था बात करना और आजकल लेटेस्ट मोबाइल कोई भी ले लो तो हम लोग मोबाइल खरीदते हैं बात करने के लिए किसी से भी कभी बात करनी हो तो लेकिन स्टेज बाय स्टेज कितना चेंजेस आता गया कि पहले एक जगह पर फिक्स हुआ करता था लैंडलाइन फिर वायरलेस होने लगा कोडलेस होने लगा कि हम घूम फिर के बात कर सकते हैं लेकिन उसकी एक लिमिट थी घर के बाहर निकले तो बात नहीं हो सकती थी है ना वो बॉक्स के इर्द गिर्द ही बात हो सकती थी फिर आया मोबाइल कि आप बाहर निकल के भी बात कर सकते हो राइट फिर मोबाइल में धीरे धीरे कैमरा लगा राइट फिर इंटरनेट जुड़ गया राइट और अभी आज देखने जाओ तो बहुत बहुत सारे काम हम कर रहे हैं तो मोबाइल का एवोल्यूशन इंटरमीडिएट स्टेज क्या होगा है ना शुरुआती तौर पे तो हम बात करने के लिए लिए थे फ़ोन को आज भी इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए लेकिन बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस होने लगे ना अब तो उसी तरह पंख जो थे राइट तो डायनासोर रेप्टाइल है राइट और उसके भी पंख थे अभी पंख जनरली जो था वो क्यों के फैदर वाला पंख होता है तो उसको बॉडी को गर्म रखने में काम आता है ठंड से बचाने के लिए चद्दर के जैसा जैकेट के जैसा काम देता था लेकिन फिर जैसे जैसे इवोल्यूशनरी स्टेजेस आते गए राइट डीएनए में चेंजेस आते गए और वो पंख अभी उनको उड़ने में काम आते हैं जो कि डायनासोर्स उड़ नहीं सकते थे लेकिन बर्ड्स जो हैं वो उड़ सकते हैं क्योंकि दोनों में पंख होते हैं है ना तो पंख का मेन काम था उसको ठंडी से बचाना अभी बर्ड्स में जो पंख है वो ऐसा नहीं है कि भाई वो मॉडिफाइड हो गया अभी उसको ठंड से नहीं बचाएगा नहीं ठंड से तो बचाएगा साथ साथ वो उड़ने में भी उसको हेल्प करेगा है ना सो बर्ड्स सीम टू द फैटर्स टू फ्लाइट दिस ऑफकोर्स मीन्स दैट बर्ड्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों एक दूसरे के वंशज माने जाए क्या है कि बर्ड्स रेप्टाइल्स में से ही बने और क्योंकि डायनासोर तो रेप्टाइल था है ना जमीन पे चलने वाला इट इज़ ऑल्सो वेरी वेल टू दैट वेरी डिसिमिलर लुकिंग स्ट्रक्चर्स ईवोल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्ट्रल डिज़ाइन डिसिमिलर स्ट्रक्चर जो दिखते अलग अलग होते हैं वो एक ही एंसेस्ट्रियल डिज़ाइन है ना जैसे मैंने बोला एनसेस्ट्रील डिज़ाइन मतलब इंसान और बंदर की बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा ही है बस फर्क थोड़ी पूछ का और बॉडी के ऊपर बालों का है राइट थोड़ा सा चेंज आ जाएगा तो बंदर इंसान जैसा लगने लगेगा और इंसान में थोड़ी सी वो चेंजेस कर दी तो इंसान बंदर लगने लगे, लगे। So it is all very well to say that very dissimilar looking structure structure in evolved from a common ancestral design. It is true that analysis of organ structure in fossils allows us to make the estimate of how far back evolutionary relationships go. तो जब हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें इवोल्यूशनरी स्टेजेस कितने सालों पुराना है जैसे बंदर की बात करें इंसान की बात करें तो दोनों की डिज़ाइन अलग अलग है है ना मेन थोड़ा थोड़ा एक जैसा लगता है तो एप्स जिसको बोलते हैं है ना तो वो डिज़ाइन दोनों की डिसिमिलर लुकिंग मंकी अलग दिखता है इंसान से और इंसान भी अलग दिखता है लेकिन उनकी कॉमन एंसेस्टर की बात करें तो ऐप जिसको बोलते हैं ना उसमें से एप्लीकेशन वाला ऐप एप नहीं ए पी ई एप यानी कि बंदर ही होता है एक किस्म का राइट उसमें से कॉमन डिज़ाइन मिलती जुलती आ रही है हमारी तो फॉसिल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई भी दो डिसिमिलर लुकिंग ऑर्गेनिज्म है उनकी एक दूसरे से मेलजोल खाना कितना पुराना हो सकता है तो ना एस्टिमेट कर सकते हैं बट दोज आर गैसेज अबाउट वॉट हैपन्ड इन द हिस्ट्री ये हम सिर्फ गैस कर सकते हैं ना अप्रूफ नहीं है अपने पास कुछ राइट right? कि हाँ देखो पहले ये था ये था अब दोनों ऐसे हो गए ना तो अपने पास वीडियोज़ है कोई ऐसे ना कोई फाइल्स है ना कोई फोटोज़ है ऐसा पुराना बट हम गैस कर सकते हैं कि इंसान और बंदर दोनों किसी तीसरी किस्म की प्रजाति में से डेवलपमेंट uh, होते होते इस आज की तारीख में ऐसा हुए राइट आर देर एनी करंट एग्जाम्पल्स ऑफ सच ए प्रोसेस तो क्या आज की तारीख में ऐसा कोई एग्जाम्पल है हमारे पास जो ये प्रोसेस को समझा सके द वाइल्ड कैबेज प्लांट इज ए गुड एग्जाम्पल तो आज की तारीख में हम अगर बात करें तो वाइल्ड कैबेज जो है वो उसका एग्जाम्पल बन सकते हैं बता सकते हैं ह्यूमंस हैव ओवर मोर देन टू थाउजेंड ईयर्स दो हज़ार साल से कल्टिवेटेड वाइल्ड कैबेज एज ए फूड प्लांट तो गोभी जो होती है ना वाइल्ड गोभी उसको दो हज़ार साल से हम उगाते आ रहे हैं राइट right? खाने के तौर पर फूड प्लांट एंड जनरेटेड डिफरेंट वेजिटेबल्स फ्रॉम इट बाय सिलेक्शन और कैबेज में से जस्ट एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ सिखाने के लिए कि कैबेज में से कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं थी या उसमें मॉडिफाई करते गए तो कैबेज में से एक नया वेजिटेबल बन गया फिर उसमें से कुछ और चीज़ें हमें पसंद नहीं थी दूसरी चीज़ें पसंद की डाल दी तो कुछ और नया किस्म का बन गया राइट आगे आएगा दिस इज कोर्स आर्टिफिशियल सिलेक्शन राधर देन नेचुरल सिलेक्शन अभी कैबेज खुद तो अपने अंदर चेंजेस नहीं ला सकती ना राइट right? तो हम इंसान उसमें ऐसा कुछ चेंजेस करते हैं कि उसमें चेंज आ जाए राइट right? तो वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाएगा नेचुरल सिलेक्शन नहीं कहलाएगा सो सम फार्मर्स हैव वांटेड टू सिलेक्ट फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन लीव्स एंड हैव ब्रेड द कैबेज वी ईट तो दोनों अलग अलग किस्म के जो लीव्स का जगह थी राइट right. उसको वो डेवलप उसकी जगह उसमें लीव्स के बीच में जगह कम या ज़्यादा करके एक नई प्रजाति की कैबेज बना ली हमने राइट right. अभी तो कैसे हम बोलते हैं ना जस्ट एग्जांपल अभी कुछ ऐसा है भी कि एक जानवर सोचो आप है ना कि शेर के जैसा देखो टाइगर जो होता है ना उसको गर्दन पे सर पे बाल नहीं होते हैं टाइगर को लायन को होते हैं, है ना और बॉडी स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है और टाइगर जो है उसकी स्ट्रिप्स जो होती है उसकी बॉडी के ऊपर काले सफ़ेद और गोल येलो कलर की स्ट्रिप्स पट्टे बने हुए होते हैं वो मस्त लगते हैं उसके ऊपर है ना तो ऐसा एक जानवर हो जो दिखता तो शेर के जैसा हो है ना सिंह के जैसा लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर प्रिंट जो है ना वो टाइगर के जैसी होनी चाहिए तो दोनों में से हमने जीन्स में से देखा कि टाइगर की स्किन कलर और पैटर्न के लिए कौन से जीन का कौन सा पार्ट डीएनए का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है वो वाला पार्ट उठा के शेर में डाल दिया राइट और शेर की बॉडी में यहाँ पर जो बाल आते हैं गर्दन के वास अयाल जिसको हिंदी में बोलते हैं वो डीएनए के कौन से जीन की वजह से आते हैं तो अगर हम वो जीन शे... बाघ में डाल दें टाइगर में तो टाइगर को यहाँ पर बाल उगने लग जाएंगे है ना और शेर की बॉडी के ऊपर टाइगर के जैसी प्रिंट आ जाएगी अभी सोचो शेर की बॉडी है यहाँ पर गर्दन के ऊपर बाल हैं और लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर टाइगर की जैसी स्किन है अभी आप बोलोगे कि मेरे को टाइगर की स्किन पसंद नहीं आती है मेरे को चीते की स्किन की पैटर्न या जीब्रा की या ज़िराफ की बॉडी के ऊपर के जो पैटर्न होती है या तो डियर की हिरन की बॉडी के ऊपर जो डिज़ाइन होती है ना वो अच्छी लगती है तो जीन में से वो वाला पार्ट उठा के टाइगर में डाल दो तो क्या होगा टाइगर की स्किन जो है वो ज़िब्रा के जैसी हो जाएगी या तो जिराफ के जैसी हो जाएगी राइट ये सब हम चेंजेस करते हैं राइट वो जब कुदरती तौर पे नहीं होता है तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं है टाइगर सोच नहीं सकता कि भाई मेरे को ये इसको देनी है पैटर्न हाँ कोई हम उसमें से कुछ रिसर्च करके टाइगर में या लायन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आ जाता है राइट तो ऐसा एक प्राणी बनाया है जिसका नाम है लाइगर एल आई लायन का और टाइगर का जी ई आर लाइगर तो दोनों का मिक्स बनाया हुआ है, है ना तो उसी तरह गोभी के पत्तों के बीच में जो जगह कम या ज़्यादा या उसका कलर चेंज करते हैं तो वाइल्ड कैबेज जो थी उसमें से अलग अलग वेजिटेबल्स बने हैं राइट right? हालांकि ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं है आर्टिफिशियल सिलेक्शन है राइट डेवलपमेंट एंड हैव ब्रेड ब्रोकली और फॉर द स्टराइल फ्लावर हैव मेड द कॉली फ्लावर सम हैव सिलेक्टेड फॉर स्वालन पार्ट्स एंड कम अप खोल रबी सम हैव सिंपली लुक्ड फॉर स्लाइटली लार्जर लीव्स एंड कम अप विथ ए लीफी वेजिटेबल कॉल काले वुड वी हैव थॉट दैट ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर डिसेंडेड फ्रॉम द सेम एंसेस्टर इफ वी हैड नॉट डन इट आवर सेल्फ तो देखा जाए तो ये जो वेजिटेबल्स आपको दिख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर खोरबी काले रेड कैबेज कैबेज ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर ये सब बने हैं तो सिर्फ वाइल्ड कैबेज में से ही बने हुए हैं सब राइट उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते गए राइट और नए किस्म के भी आम देखो आप आम की बात करें मैंगो तो कितने प्रकार के मैंगो हैं हमारे सामने है ना कोई जूनागढ़ की केसर है कोई कच्छ के आम है कोई सुंदरी है राज्य तमिलनाडु के कोई हाफूस आम आते हैं कोई बदाम आम आते हैं कोई लंगड़े की एक आम की स्पीशीज जिसको लंगड़ो बोलते हैं राइट तो कितने अलग अलग प्रकार के आम मिलते हैं बाजार में तो वो उनका कोई एक कॉमन एंसेस्टर तो होगा ना जिसमें से ये सब चेंजेस करते करते हमने देखे हैं तो जब तक हम ये खुद नहीं कर लेते तब तक हमें ये समझ में नहीं आता कि भाई डीएनए में चेंजेस करके हम सिलेक्टिव प्रोसेस करके भी चेंजेस ला सकते हैं अनदर वे ऑफ ट्रेसिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स डिपेंड ऑन द ओरिजिनल आइडिया दैट वी स्टार्टेड विथ हमने कैसे ओरिजिनल आइडिया क्या था कि दैट आइडिया वॉज दैट चेंज इन द डी एन ए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर द बेसिक इवेंट्स इन इवोल्यूशन जब एक में से दूसरा जीव जब बनता है तो डीएनए पूरी तरह कॉपी नहीं होता था थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ चेंज रह ही जाता है डीएनए में है ना तभी तो हम बोलते हैं ना कि इसकी शक्ल जो है वो मामा जैसी लग रही है या नाना जैसी लग रही है या दादा जैसी लग रही है तो दादा का जो डी था वो फादर में आया लेकिन फादर का डी वो पूरी तरह कॉपी नहीं हो पाया राइट एक डोमिनेंट रह गया एग्रेसिव रह गया अब आया तो है इसमें रिसिव फॉर्म में राइट जब ये दूसरा प्रजाति बनाएगा इसमें से तो जो रिससिव फैक्टर था हो सकता है अभी वापस ये डोमिनेंट फैक्टर बन जाए तो पोता और दादा दोनों एक जैसे लगने लगे या उनकी स्टाइलें एक जैसी होने लगे राइट तो ये ओरिजिनल आइडिया क्या था हमारा कि डीएनए में से जो कॉपी होता है दूसरा डीएनए फिर वही प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है फिर नए किस्म का प्रोटीन बन जाता है है ना इफ़ दैट इज द केस देन कंपेयरिंग द डीएनए ऑफ डिफरेंट स्पीशीज शुड गिव अस अ डायरेक्ट एस्टीमेट ऑफ हाउ मच द डीएनए हैज चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीशीज तो अगर ये बात को हम पकड़ लें तो दोनों स्पीशीज का डीएनए एन ए चेक करें हम लोग तो पता चलेगा कि किस में क्या क्या चेंज आए हुए हैं राइट दिस मैथड इज़ नाउ एक्सटेंसिवली यूज टू डिफाइन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो अभी बंदर का भी डी एन ए देखो और इंसान का भी डी एन ए देखो और दोनों का कंपेयर करो तो हम पता लगा सकते कि हाँ इन दोनों के डी एन ए तो बिल्कुल मैच खा रहे हैं राइट right? और इसीलिए उनका एक कॉमन एनसेस्टर जिसको हम बोलते हैं एप तो उसका भी डीएनए अगर अवेलेबल हो तो देखो तो पता चलेगा कि हाँ ये ओरिजिनल डीएनए था उसमें से ये दो अलग अलग कॉपियाँ बनी हैं राइट सो आजकल ये यूज होता है डिफाइन करने के लिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स राइट एक छोटा सा टॉपिक है मॉलिकुलर फाइलोलॉजी वी हैव बीन डिस्कसिंग हाउ चेंजेस इन द डी एन ए द सेल डिविजन वुड लीड टू द चेंज इन द प्रोटीन्स दैट आर मेड फ्रॉम द न्यू डी एन ए तो देखो एक डी एन ए दूसरे इंडिविजुअल में जब तब्दील होता है तो एग्जैक्टली exactly सेम नहीं होता है पेरेंट डी एन ए जैसा थोड़ा सा चेंज होता है अब उसकी थोड़ी सी जो चेंज है ना वही एक नए किस्म का प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार बनेगी

न्यूज़पेपर में या ऐसी गेम आती है कि दो पिक्चर दिए हुए होते हैं उसमें लिखा होता है कि ये दोनों पिक्चर में दस डिफरेंस हैं आप सर्कल करते जाओ ढूंढ के बताओ तो पहली नज़र में आप देखोगे ना तो सब सेम टू सेम होगा लेकिन बारीकी नज़र से देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर जो चींटी है उसके छः पैर है और ऊपर जो पिक्चर में चीटी है ना उसके पाँच ही पैर एक पैर गायब है <coughs> या तो जो बैल लटक रहा है ना तो उसके घंट उसमें जो बॉल जैसा घंट होता है ना बजता है जो वो नहीं है सिर्फ बैल ही डोरा हुआ है ऐसी अलग अलग किस्म की हम दस मिस्टेक्स निकालते हैं दो सिमिलर लुकिंग पिक्चर्स में खेले हो ना इसी गेम बस सेम प्रोसेसर है यहाँ पर कि जब हम दो स्पीशीज का डीएनए देखते जाते हैं देखते जाते हैं तो पता लगता है कि हाँ ये डीएनए का स्ट्रक्चर और यहाँ पर जो है वो डिफरेंस है इस डिफरेंस की वजह से बंदर के ऊपर बाल हैं और इंसान के ऊपर बहुत सारे बाल नहीं हैं बंदर जो है वो झुक के चलता है इंसान जो है वो खड़ा होकर चलता है राइट तो डीएनए में जितनी सारी डिफरेंसेस आती जाएगी आपको पता लगता जाएगा राइट तो कितने पुराना चेंजेस है बैकवर्ड टाइम में ये हम पता लगा सकते हैं मॉलिकुलर फाइलोजेनी डज़ एग्जैक्टली दिस this approach is based on the idea that organisms which are more distantly related will accumulate a greater number of differences in their dna such studies trace the evolutionary relationship and it has been highly gratifying to find that the relationship among different organisms slow shown by molecular phylogeny मैच द क्लासिफिकेशन स्कीम दैट वी लॉन्ट इन क्लास नाइन तो जब ये हम लोग पैटर्न देखते हैं तब हमको ये ऐसा विश्वास करने का मन कर जाता है कि हाँ ये बात सही है कि क्लासिफिकेशन जो है हमने कैसे बनाया राइट right, कि ये प्लांट्स हैं प्लांट्स में भी ये फोटो एनिमल है कि प्लांट है कैसे पता लगेगा कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वही प्लांट है बाकी प्लांट नहीं कहलाते अभी प्लांट में भी दो या तीन किस्म के कौन से कि ये ज़मीन पे उगने वाले प्लांट है या पानी के अंदर उगने वाले प्लांट हैं राइट ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट है या फिर फ्रूट्स गिविंग प्लांट भी है तो सब प्लांट्स की डी चेक करते जाओगे आप जिसको हम बोलते हैं मोलिकुलर फाइलोजेनी तो हमें पता लगेगा कि हाँ इसी वजह से हमने एक क्लासिफिकेशन जो किया है वो सही बैठता है यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो पूरा होता है ये वाले टॉपिक है इवोल्यूशन शुड नॉट बी एक्टेड विथ प्रोसेस नहीं ये सब आने वाला नहीं है ह्यूमन डेवलप रिलेशन ये भी नहीं आने वाला है एग्ज़ाम में इस साल के लिए कैंसिल कर दिया गया है चैप्टर फिनिश होता है क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको भेज दिए हैं राइट कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर